हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं आपके लिए बेबी बूटीज़ की डिज़ाइन लाई हूँ। चलिए फिर उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगी। ये देखिए, मैंने पिंक कलर का ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई। 10 नंबर की सिलाई पर हमने ये 42 फंदे डालकर 24 सिलाई की बुनाई कर ली है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हैं, यानी हमने सीधे से भी सीधा बुना है और उल्टी तरफ से भी सीधा बुना है। आप चाहें तो दोनों तरफ से उल्टा बुनकर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो 24 सिलाई बनाया जब हमने, तो 12 धारियां बनी हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 धारियां हमारी दोनों तरफ से हैं, इधर से भी 12 हैं और सीधे से भी 12 हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधी सिलाई बुनते हुए शुरू के 9 फंदे घटाने हैं। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये साल भर के बच्चे के लिए है बूटी। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहें तो कम फंदे डाल लें और इधर भी कम घटाएं और बीच में भी कम रहेगा, और अगर और बड़ा बनाना चाहें तो ज़्यादा फंदे डाल लें। तो इसमें हमको 9 फंदे घटाने हैं शुरुआत में। चलिए फिर हम लोग फंदे घटाते हैं 9। एक, एक घट गया। अब इसको इसी सिलाई पे उतार लीजिए और इसको ऐसे हो गया 2। फिर 3, 4, 5। मैं ऐसे घटा रही हूँ, आप दूसरी तरह से भी घटा ले, जैसे भी घटाती हूँ। हमें 9 फंदे घटाने। 7, 8 और 9। 9 फंदे घट गए हमारे। ये तो फंदा घटाने में बुन गया है, तो इसको नहीं बुनेंगे, बाकी सब फंदे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली है। अब इस तरफ भी हमको 9 फंदे घटाने हैं। इधर भी 9 फंदे घटा लिए, इधर घटे थे पहले और इधर भी। और फंदे जब घटाएं तो बहुत टाइट नहीं करने, थोड़े ढीले ही रखने हैं। और बीच में अब हमारे पास बचे 24 फंदे। चलिए देखते हैं, 24, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24। 24 फंदे बचे। इन 24 फंदे को अब हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ऐसे ये देखिए, पूरी सिलाई बन गई। अब इस तरफ से हमें जाली बनानी है, इसमें डोरी डालने के लिए। तो जाली बनाने के लिए हमें क्या करना है,
एक सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे और दो फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये ठीक, फिर एक फंदा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे और इन दो को एक साथ बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई हमको बुनाई करनी है। ये पूरी सिलाई बन गई। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। जाली बन गई। अब हम उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। सारे फंदे हमने ये देखे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब आ गई हमारी सीधी सिलाई। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहें एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएं या दो सीधे दो उल्टे का। मैं यहाँ एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना रही हूँ। एक फंदा सीधा बुन लिया, ऊन आगे किया, फिर एक उल्टा, ऊन पीछे, सीधा, ऊन आगे किया, उल्टा, सीधा, फिर आगे किया, उल्टा। ऐसे ऐसे हमको पूरी सिलाई बनानी है। देखिए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे हम बॉर्डर बना लेंगे। पूरी सिलाई बन गई। अब उल्टी तरफ से भी जो फंदा हमारा उल्टा है, यानी इधर से जो फंदा सीधा था वो उल्टी सिलाई में उल्टा रहेगा। तो जो उल्टा है वो उल्टा और जो सीधा है वो सीधा फंदा बुनते हुए हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाना है। और ये बॉर्डर हमें उतना बनाना है जितना कि हमें ज़रूरत हो। आप चाहे 10 सिलाई बनाइए, 10 सिलाई 12 सिलाई बना लीजिए। चलिए इतना बॉर्डर बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इतना बॉर्डर बन गया। लगभग क्या सिलाई बना है, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 सिलाई का बॉर्डर बन गया। अब हम ये सीधी तरफ से बना लेंगे, सीधी तरफ तक बना लेंगे। इसके बाद उल्टी तरफ से इसको सारे फंदे को घटा देंगे। थोड़ा ढीला ढीला ही रखेंगे दो फंदों को एक साथ बिना। फिर ये फंदा इसी सिलाई पे कर ले। ऐसे ऐसे सारे फंदे घटा ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, सारे फंदे हमने घटा लिए। अब इसको भी इसमें से ऐसे निकाल के इसको टाइट कर लेंगे और इसको थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से हमें सिलाई करनी है। देखिए हमने धागा डाल लिया सुई में। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। सीधा वाला हिस्सा अंदर है, उल्टा बाहर है। और इसको मोड़ के अब हम यहाँ से सिलाई करेंगे। ये हमको कैसे सिलना है, ये पूरा ये सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक, यानी ये सिलाई यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ तक सिलना है। चलिए सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए इसकी सिलाई हो गई और हमने सीधा कर दिया इसको। देखिए है ना आसान, तो प्लीज इसको ट्राई भी करिए। ये देखिए इसको बनाइए जरूर। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। और पास से देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू।